सीधी रीवा सीधी बॉर्डर के नजदीक छुईया घाटी के नीचे बाल सागर परियोजना की नहर में एक यात्री बस गिर गई, जिसमें करीब आधा सैकड़ा लोग सवार थे। करीब दर्जन भर लोग स्वयं पानी से बाहर निकल आए, लेकिन अन्य की तलाश जारी है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने 7 लोगों का शव निकाला, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई। इस दुर्घटना में बड़ी आशंका जाहिर की जा रही। नहर में पानी पूरी क्षमता का भरा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है। बताया गया कि छुईया घाटी के नीचे बघवार के नजदीक यह हादसा हुआ, जहां पर बस सुबह के करीब 8 बजे आ रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह नहर में चली गई। पुलिस अधीक्षक सीधी ने बताया कि सूचना मिलने पर राम नैकिन थाने का पुलिस बल तत्काल पहुंच गया। अन्य थानों से भी टीमें रवाना की गई हैं। साथ ही में नहर आर्य बाढ़ सागर बांध के पानी को भी बंद कराया जा रहा है। दुर्घटना में घायल लोगों को रेस्क्यू करने के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। पहली खेप में 7 यात्रियों को रवाना किया गया। घायलों की अभी पहचान पुलिस नहीं कर पाई। तत्कालिक घटना होने की वजह से उपचार के लिए भेजा जा रहा है। कौन बसा भैया? रक्त मैंने पकड़ पकड़ परिहार बसा है। कौन? जबलागंज। अच्छा, गाड़ी 50-55 लोग रहे। कम से कम 6-7 सीधी सतना वालिया का सतना सीधी सतना वालिया है।